हेलो एंड वेलकम। एक और कैलकुलेशन ट्रिक, अगर आपने ट्रिक 6 और ट्रिक 7 नहीं देखे तो देखिए, क्योंकि ट्रिक 8 उसी की फॉलोइंग है, लेकिन इसको अकेले देखने से भी समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर को 125 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं और यूं आंसर कैसे लिखें। कोई भी नंबर ले लो, इसको 125 से कैसे डिवाइड करेंगे। ना सिर्फ हम इसका इंटीग्रल पार्ट बताएंगे बल्कि फ्रैक्शन पार्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, इसको 125 से डिवाइड करके क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेट मेथड है, बिल्कुल ध्यान देंगे, करना कुछ नहीं है। जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली संख्या है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। 8 तो न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए 8 की टेबल पढ़े। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 8 1 8 प्लस 1 9। कर लिया 8 से मल्टीप्लाई, डिवीजन तो करना ही नहीं है। न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो और पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो। ये देखिए कितना एक्यूरेट आंसर निकाला, 9.248। डिवीजन करते तो कितना टाइम लगता, लेकिन ट्रिक से फटाफट। एक और आओ करें, एक और करके देखें। मेथड सेट है, न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो और पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो। न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो और पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो। न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो और पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो। चलो भैया एक और देखें। न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 8 दूनी 16। क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए तो आंसर गजब, कैलकुलेटर से भी पहले 16.464। क्या आंसर आ गया? 16.464। अभी डिवाइड करते तो शायद अब तक आंसर नहीं निकाल पाते। और इसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझे, बहुत इजी मैथमेटिक्स है। जो मैथमेटिक्स ट्रिक नंबर 6 में लगी थी, जो मैथमेटिक्स ट्रिक नंबर 7 में लगी थी, वही मैथमेटिक्स यहां पर भी लगने वाली है। शायद जिन बच्चों ने 6 7 ट्रिक देखी हो वो समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। मैथ समझना बहुत जरूरी है। आइए, जैसे 1156 तो हम लोग 125 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना कितना इजी है, लास्ट डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना कितनी इजी है, लास्ट टू डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो। और किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करना कितना इजी है, लास्ट 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। फायदा क्या होता है, ऊपर वाला तो ये बनता है और नीचे वाला 1000 बन जाता है। जैसे ट्रिक नंबर 6 में हमने नीचे 10 बनाया था, ट्रिक नंबर 7 में हमने नीचे 100 बनाया था, वैसे ट्रिक नंबर 8 में हमने नीचे 1000 बनाया है। तो ये लीजिए आंसर आ गया भाई साहब जबरदस्त, 9.248। समझ रहे होंगे बात को। ऐसे यहां पर भी हमने किया, 2058 था 125, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज निकल के आ गई 16464 और नीचे निकल के आ गया 1000। और ये देखिए 16.464। क्लियर हुआ? कॉपी कर लो।